अच्छा अब हम आरसीबी की बात करते हैं जी, और सुपर चैट है तो रोबिन दिखा दीजिएगा। 25 करोड़ आरसीबी की बात कर लेते हैं जल्दी से भाई कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, एक बार रिटेंशन पे जाएंगे, रिटेंशन से नाम चेंज कर दिया, सारी चीजें हो गई, सारी चीजें नहीं करने की कोशिश। रिटेंशन पर अगर आप जाए पांडे जी तो इन्होंने 3 नाम रिटेन किए हैं, ठीक है जी, विराट कोहली 21 CR, रजत पाटीदार 11 करोड़ और यश दयाल 5 करोड़, 83 करोड़ का परसेंट का भी लेफ्ट है। अब इनको भी जो है पूरी टीम बनानी, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैं, पिछले साल इनकी जो पूरी आरसीबी की टीम थी और जो इन्होंने रिटेन किया है, कोई बुराई नहीं है इसमें, मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं, कोई बुराई नहीं। अब आप पाटीदार को 14 नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन आपने वही पैसे ठीक है विराट को दे दिए, पाटीदार के लिए 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यश दयाल को आपने 5 करोड़ दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, वेल इनफ, गुड इनफ, सब गुड इनफ। अब आपने बनानी है इसमें टीम, और जो हमें अब तक एक चीज समझ में आ रही है, जो हमें दिख रही है, वैसे तो डेवलपमेंट्स तो बहुत हुई, बहुत खबरें आई, लेकिन एक चीज जो परमानेंट दिखाई दे रही है, दैट इज केएल राहुल। केएल राहुल जा रहे, विराट कोहली एज कैप्टन इज नॉट कंफर्म्ड येट, मतलब ये एक हवा चली थी बट वो हवा बंद हो चुकी है, रुक चुकी है, थम चुकी है। लेकिन केएल राहुल की होमकमिंग है, यही एक हमें स्ट्रेटेजिकल मूव अब तक दिखा है आरसीबी की तरफ से, उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखा। अब ऑक्शन टेबल पर आके क्या करते हैं, किस तरीके से बिहेव करते हैं, चाइल्डिश बिहेव करते हैं या सेंसिबल बिहेव करते हैं, वो इनके ऊपर है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने मिनी ऑक्शन में भी देखा था, 20-22 करोड़ रुपए बचे हैं और 20 करोड़ रुपए पैट कमिंस के लिए जा रहे थे, जबकि बाकी की टीम भी बनानी थी आपने। सो फिर किसी ने बोला भाई पीछे हट जाओ यार, क्या कर रहे हो, पैसे नहीं बचेंगे। तो बताइए आरसीबी के बारे में, मेरे तो शब्द खत्म हो गए। नहीं आरसीबी देखो सिचुएशन में तो बड़े अच्छे सिचुएशन में है, क्योंकि अगर पंजाब के पास 110 करोड़ है तो इनके पास भी 83 करोड़ है। एंडी फ्लावर है, एंडी फ्लावर, हाँ वही है, फ्लावर नहीं फ्लावर, हाँ एंडी फ्लावर, एंडी फ्लावर वही है, फ्लावर ही मतलब चलो यार, फ्लावर क्या था वो डायलॉग, फ्लावर नहीं फायर में, तो क्या पता वो भी अगर उस तरीके से कर दे वहाँ पे। हालांकि बतौर कोच सक्सेस तो बड़ा हासिल किया आरसीबी के साथ, नहीं बाकी जगहों पर, आरसीबी के साथ तो खैर कर्ण शर्मा के रहने से भी टीम नहीं जीत पाती, लकी चार्म माने जाते हैं हर टीम के लिए माने जाते हैं, हर टीम जहाँ गए वहाँ वो टीम चैंपियन बन गई, आरसीबी नहीं बन पाई। और उसके अलावा वैसे किसके साथ थे इससे पहले, तो एसआरएच के साथ, अरे आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लीग्स में जहाँ जहाँ उन्होंने खेला अच्छा कराया बतौर कोच, ये मैं कह रहा हूँ। लेकिन आरसीबी की काया पलट नहीं करने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। जहां तक बात रही इनकी स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी तो यही नजर आ रहा है कि एज कैप्टन केएल राहुल, और केएल राहुल एज कैप्टन, अगर मुझे अभी कैप्टन केएल राहुल इस समय पर, केएल राहुल एज कैप्टन नहीं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, अरे आप एक्टिव लगा ले भाई, वो एक्टिव प्लेयर है, अभी पैसिव में क्यों जा रहे हैं आप। और पैसिव वॉइस पैसिव में जाना है तो पहले का परफॉर्मेंस उठाकर आप देखें, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ केएल राहुल एज कैप्टन इतना बुरा तो नहीं रहा है। अब लोगों ने कैप्टन अच्छा किया, इतना भी खराब नहीं किया एज कैप्टन केएल राहुल ने। अगर अब उनके ओनर ही वो ऐसा है कि भाई उनको प्लेऑफ सक्सेस नहीं लगता, उनको टाइटल ही जीतना है, आते ही धावा बोल देना है। नहीं तो आप बार बार अगर प्लेऑफ क्लिक कर रहे हो, उसके बाद अगर आप फाइनल क्लिक नहीं कर रहे हो, जीत नहीं पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं मन में आशंका आ जाती है, मानता हूँ। लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन भी था, वो प्रेशर कुकर वाला सिचुएशन था वो एलएसजी के अंदर। उन्होंने खुद भी तो बोला है कि इन्वायरमेंट ऐसा बहुत ज़्यादा, बहुत प्रेशराइज वहाँ पे होते, फ्रीडम चाहते हैं वो। केएल राहुल ने जो बकायदा स्टेटमेंट दिया तो भाई उसने बहुत अच्छा किया कि वो छोड़ के निकल गया। मैं तो फिर भी मानता हूँ कि केएल राहुल के लिए बेस्ट ही ऑप्शन होगा। करियर के 10 साल कंप्लीट होने के बावजूद भी अगर आप प्रेशर नहीं झेल सकते तो सॉरी टू से फिर क्रिकेट ही खेलना छोड़ दो। मैं वो नहीं कह रहा कि प्रेशर झेल सकते या नहीं झेल सकते, देखो जो ट्रीटमेंट हुई उसके बाद तो उनका बनता नहीं था एलएसजी में, नहीं वो तो मैं ठीक है उससे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ केएल राहुल एज अ एग्री करता हूँ, सॉरी केएल राहुल एग्री करता हूँ, केएल राहुल एज अ कैप्टन मुझे इतने भी कोई खराब नहीं लगता। मुझे पर्सनली अगर आप मेरे इंडिया के लिए भी अच्छा ही किया, इंडिया के लिए आप उनका रिकॉर्ड उठाकर देख लो, एज अ कैप्टन अच्छा ही किया, खराब नहीं किया, जहाँ जहाँ कप्तानी की अच्छा किया, जिताया टीम को। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में भी जीते हैं केएल राहुल की कप्तानी में ओडीआई, याद है मुझे, याद है ना, जब उस समय ऑक्शन के टाइम पे हम कवर भी किए, हमने किया था उसको कवर। तो केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है अपनी कप्तानी में। केएल राहुल ने बांग्लादेश में भी टेस्ट सीरीज जीती थी जहां पे रोहित अवेलेबल नहीं थे अपनी कप्तानी में। हाँ एक सेंचुरी वो हारे थे साउथ अफ्रीका में एक वन ऑफ टेस्ट मैच, लेकिन उसके अलावा केएल राहुल के आप स्टैट उठाकर देख लो एज अ कैप्टन बुरे नहीं है। एलएसजी के साथ 3 सीजन कप्तानी की, 3 सीजन ही करी, 2 सीजन प्ले ऑफ खेले और बाय द वे दूसरे वाले सीजन में तो इंजर्ड हो गए थे। आपको याद है पैर क्रैम्प हो गया था, कृणाल ने फिर प्ले ऑफ लेकर गए थे, कृणाल पांड्या लेकर गए थे इनको प्ले ऑफ। 20 सीजन इंजर्ड ही हो गए थे तो बाद में हम रेट नहीं कर सकते कि उसके बाद क्या करना था क्या नहीं करना था क्योंकि प्ले ऑफ में अवेलेबल ही नहीं थे। तो जब अवेलेबल ही नहीं थे तो हम कैसे बोल सकते हैं कि क्या होता है एलएसजी का उस समय पर। पहला सीजन प्ले ऑफ खेले, जिता सकते थे, नहीं जिता पाए, जो कि हमने देखा है कि प्रेशर में केएल से उस तरीके से डिलीवर नहीं हो पाता एज अ बैटर। लेकिन एज अ कैप्टन पर्सनली मुझसे पूछोगे तो ठीक चॉइस है, इतनी भी कोई खराब चॉइस नहीं है कि अभी से हम मानकर चले कि आरसीबी में केएल राहुल आएंगे तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा इनका, ऐसा नहीं है। और सबसे बेस्ट जगह भी है एज अ बैटर शाइन करने के लिए, अगर जहाँ पे वो स्ट्राइक रेट का मसला नहीं आ सकता है। इससे बेटर विकेट तो पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे तो 2-3 ही जगह है, एक वानखेड़े स्टेडियम लगा लो, एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद जहाँ पे आप बैटिंग से आप देख लो फ्रेंडली कंडीशंस होती है, और तो एक दिल्ली बड़ा चिन्नास्वामी, अब दिल्ली भी हो चुका है, अरुण जेटली, और वो अभी है पंजाब का भी, पंजाब है लेकिन पंजाब में भाई सीम फ्रेंडली कंडीशंस हो जाती है ग्रीन टॉप पे कभी कभार, 3-4 ग्राउंड है जिसमें एक चिन्नास्वामी भी है। तो केएल राहुल के लिए बेस्ट बेट है, मतलब मैं कहता हूँ आरसीबी कैप्टन केएल राहुल मुझे फिर भी ठीक लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है। विराट अगर होते मैं कहता हूँ और बेहतर है, लेकिन विराट कोहली भी भाई देखो एक बात होती है, विराट कोहली नाम के हिसाब से बहुत अच्छे कप्तान है, नो डाउट अगर विराट कप्तानी कर जाए तो चांस इनका बढ़ सकता है, लेकिन विराट कोहली ने सालों साल कप्तानी की है। चलिए भैया इसको रेट करना है बता दीजिए। कहीं ना कहीं मैं डिसएग्री करता हूँ क्योंकि ऑक्शन में अगर बटलर आपके पास मौजूद है उसके बाद आप केएल राहुल के पास जा रहे हो तो फिर पता नहीं, मतलब हो सकता है कि बटलर आपके लिए वो ज्यादा कुछ कर सके जो कि केएल राहुल से अभी तक तो हमने नहीं देखा है। मैं 8, इनको 9 नंबर। मैं अपना क्या ही कितना ही दूं यार, आपने 8 दे दिया, इन्होंने 8 दिया, मैंने 9 दिया, मैं 10 दे देता हूँ। 10 भाई देखो बटलर लें केएल लें, हाँ जिसको भी लें, जिसको भी लें, केएल भी कोई बुरी चॉइस नहीं है, बटलर भी कोई बुरी चॉइस नहीं है। उस तरीके से मैं कह दूं आईपीएल में तो बटलर भी नहीं जिता पाए, कप्तानी कहाँ की है, कप्तानी लेकिन ऐसा बैटिंग तो की, बहुत रन बनाए लेकिन बटलर भी नहीं जिता पाए। 2022 का फाइनल तो अगर कोई आपको लेके चला जाए, 2022 का फाइनल तो बटलर ने भी खेला था और बटलर का पिछला सीजन अच्छा भी नहीं गया था आईपीएल। खैर कंपैरिजन नहीं है बटलर और राहुल की, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन हम विनिंग की बात कर रहे हैं तो बटलर भी नहीं जीते हैं और राहुल भी नहीं जीते, तो यही बात है भाई।